हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? देखो, ये हमारी रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की फोर्थ क्लास एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास की शुरुआत हो रही है। हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे और आज की क्लास ऑनवर्ड जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। ऐसा नहीं कि इसका मतलब कि इसके पहले की बातें रेलिवेंट नहीं है। अगर वो पहले वक्त की बातें आप समझे नहीं रहेंगे तो आज की क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ है, अभी आपको नहीं लिखना, जब मैं बोलूँगा तब आपको लिखना है। आप एक काम करना, अपने रजिस्टर के अंदर में अपना ये देख लो कितना स्पेस यूज होगा, उतना पेज लिखने के बाद ही शुरुआत करेंगे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ये है क्या, पहले मैं आपको समझाता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लास में जब बोलूंगा तभी आपको लिखना, अभी नहीं लिखना। अभी आप क्या करेंगे कि आपके रजिस्टर में इसके लिए एक पेज का जगह छोड़ देंगे, उसके बाद जो लिखाऊंगा वो लिखना शुरू करना है। मतलब स्टार्टिंग यहीं से आज की क्लास की होगी, ठीक है? अब सुनो, ये टॉपिक क्या है, अभी यहां देखना नहीं, मेरी बातों को सुनो, मुझसे बात करो। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या तीन चीजें देखा। अगर मैं बात करूं सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन, तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल था, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट था, और तीसरा था पार्शियली, मतलब आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट दोनों का कॉम्बिनेशन। जब ये रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल कहेगा, इसका मतलब कि DRR हम कितना बनाएंगे, नील, कोई DRR की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है जी, तो हम DRR कितना बनाएंगे आपका 100%। अगर वो पार्शली होगा, पार्शली होगा तो वो एग्जाम में मेंशन्ड होगा कि कितने का आपको DRR बनाना है। ये बातें आपने पढ़ लिया मेरे बच्चे, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या ये DRR जो बनाना है, डिवेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व जो क्रिएट करना है, क्या ये DRR सचमुच में सिर्फ कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया है क्या, कि कंपनी कितने भी बना ले, बनाए चाहे ना बनाए, क्या ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल करना है या रिडम्पशन प्रॉफिट से करना है या पार्शली करना है, या इसके ऊपर में कोई लॉ भी है? मेरे बच्चों ध्यान सुनना, हमारे देश में इसको समझाने के लिए, मतलब इस पे DRR आपको कितना बनाना है, एटलीस्ट, मैं बात किससे कर रहा हूं, एटलीस्ट यानी कि एटलीस्ट आपको DRR कितने का बनाना है, इस पे हमारे कंट्री में कानून है। कानून का नाम आपका है एज पर रूल 187B ऑफ कंपनी शेयर एंड डिवेंचर अमेंडमेंट रूल 2019। देखो, जहां पे मैंने अमेंडमेंट रूल 2019 लिखा हुआ है, आप लोगों के बुक में हो सकता है वहां पे 2014 लिखा हुआ और बाद में लिख दिया अमेंडमेंट, अमेंडेड। तो एक्चुअली 2014 में जो रूल था वो पुराना वाला था, उसको अमेंड किया गया 2019 में, और नया रूल जो है वो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, अगर मैं कोई दूसरे ऑथर की बुक को आप रेफर करते हैं और वहां पे आपका दिख जाए कि रूल 187B ऑफ कंपनीज शेयर एंड डिवेंचर रूल 2014 और आगे ब्रैकेट में अमेंडेड, तो परेशान नहीं होना, दोनों का मीनिंग सेम है। ऐसे ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है, यही लिखा जाता है क्योंकि हम लोग इसी को इंटरप्रेट करते हैं इसी तरीके से। तो अमेंडमेंट रूल 2019 कहता है कि देखो जी, कंपनीज को DRR बनाना कंपल्शन है, DRR बनाना होगा। अब कौन सी कंपनी को बनाना होगा DRR एंड कौन सी कंपनी को नहीं बनाना होगा, मेरे बच्चे उन्होंने एक लिस्ट दी है कि भैया DRR इनको बनाना ही पड़ेगा। और DRR कितना बनाना पड़ेगा, उन्होंने कहा कि देखो जी, एटलीस्ट 10%। मतलब कि अगर कोई कंपनी 10% से ज्यादा बनाना चाहे, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कंपनी को बोला गया कि एटलीस्ट आपको 10% बनाना ही बनाना है। सर कौन सी कंपनी है, अभी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, पहले मैं पिछली क्लास से आपको लिंक कर दूं। तो मेरे बच्चे, DRR बनाने की रिक्वायरमेंट कुछ कंपनीज के पास डाला हुआ है, कितने का जी, 10% का, एटलीस्ट मिनिमम इतना आपको बनाना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ जो हमने पिछली क्लास में डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, याद है हमने बोला था डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, तो ये काम कीजिए आप, पहले तो पिछली क्लास में जो डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, उन दोनों वर्ड को जहां जहां दिखेगा उसको काट दो। और वहां पे काट के पता क्या लिखना है, सिर्फ आपको लिखना है डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। सर ऐसा क्यों,
इसका रीजन बच्चे आपके जो छोटे बच्चे हैं, हम उसी को लेकर लिंक करेंगे, कहीं दूसरा नाम लिखा तो आपके एग्जाम में मार्क्स काट ना दें। इसलिए पहले अगले आगे क्लास बढ़ने के पहले आप यहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, और पिछली क्लास में जहाँ जहाँ डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट लिखा था उसको काट के सिर्फ लिख दो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, मतलब डिवेंचर्स को रिडीम करने के लिए अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो उसका कॉन्सेप्ट मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो ध्यान रखना, कहते हैं कि ये जो आपका 18(7)(b) ऑफ द कंपनी शेयर एंड डिवेंचर रूल 2019 जो आपका है बच्चे, वो कहता है कि कुछ कंपनीज को डीआरआर बनाना होगा, और वो डीआरआर कितना होगा, एटलीस्ट 10% ऑफ द डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। इन सारी बातों को बताऊंगा, अभी 10% याद रखना। और साथ ही साथ मेरे बच्चे इस रूल में कहा गया है कुछ कंपनीज को इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। जैसे पिछली क्लास तक देखा था जी कि हमने डीआरआर बनाया तो इन्वेस्टमेंट किया था, पूरा कर दिया था, तो यहाँ पे लॉ के अंदर में कहा गया कि नहीं जी, आप सारे पैसे जो डिवेंचर्स के है ना, आप वो पैसा कहीं कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको कुछ पैसा क्या करना होगा, अलग से इन्वेस्टमेंट बना के रखना होगा कि जब डिवेंचर्स को हमें रिडीम करना है तो उस पैसे उस इन्वेस्टमेंट को बेचकर पैसा आएगा और डिवेंचर्स रिडीम कर लेंगे। अभी और क्लियर करूंगा, आप परेशान ना हो, मेरी बात बस सुनते चलो। मैं चाहता हूं कि ये चीजें बार बार आपके दिमाग में बैठे। दो बातें, मैं एक तो आपको ये याद रखना पड़ेगा रूल 18(7)(b), कहीं कहीं पे 18(7) लिखा होगा तो वो 18(7)(b) और 18(7) कोई दिक्कत नहीं है। रूल 18(7)(b) ऑफ कंपनीज आपका शेयर एंड डिवेंचर अमेंडमेंट रूल 2019 के अंदर में कहा गया है मेरे बच्चे कि कुछ कंपनीज हैं जिनको डीआरआर एंड डीआरआई बनाना होगा एटलीस्ट इतना। वो एटलीस्ट कितना है, तो डीआरआर हमने कितना बोला, 10%। ये डीआरआर जो है ना बच्चे, आपको कम से कम कितना बनाना, 10%। और डीआरआई डिवेंचर के रिडम्पशन करने के लिए जो आपने इन्वेस्टमेंट रखा है, इन्वेस्टमेंट अलग से, वो आपका होगा 15%। 15%, तो ये 10% ऑफ डिवेंचर, ये 15% ऑफ डिवेंचर आपका। नाउ एक सवाल दिमाग में उठता भी आपका कि सर कौन सी कंपनी को, क्या सारी कंपनी को, या कुछ लिस्ट है मेरे बच्चे, लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, ये पूरी लिस्ट आपको समझाने वाला हूं और अभी के अभी आपको याद हो जाएगा। बट याद रखना, ये दोनों जो हमने बताया ना, इट्स ए मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और आपको ना बताए तो इतना आपको बनाना पड़ेगा। अगर वो कह दे कि नहीं जी हम इतना बनाएंगे, वो कह दे कि हम 100% बनाएंगे, या कह दे कि हम तो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे, तब तो वही जो आप पहले से जानते हैं। वो कह दे नहीं जी हम रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल करेंगे, तो आप जानते हैं पहले से हमें डीआरआर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, पूरे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो ये रेट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसको बिना किए आप आगे क्वेश्चन में, मतलब कि रियल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वो क्या है, सुनिए मेरे साथ, ये अभी कभी सारी बातें याद हो जाएंगी, पहले सुन लो, जब बोलूंगा तब आपको लिखना है, पहले सुनेंगे। कहता है कि एज पर रूल 18(7)(b) ऑफ कंपनी शेयर एंड डिवेंचर रूल 2019 अमेंडमेंट रूल 2019, कंपनी शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट विथ रिगार्ड टू डीआरआर एंड डीआरआई गिवन एज बिलो। ये कंप्लाई करना है, क्या कंप्लाई करना है, ये दोनों पॉइंट जो मैंने लिखा है ना बच्चे, दो नहीं ए बी सी, ये तीनों पॉइंट्स आपको इस रूल के अंदर में मेंशन किया गया है। तो एग्जाम में अगर आ जाए, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रूल 18(7) ऑफ कंपनीज शेयर एंड डिवेंचर अमेंडमेंट रूल 2019, तो ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। क्या, पहला पॉइंट नंबर ए पढ़ेंगे, DRR shall be created out of profit available for dividend. It's not new for you. ये चीजें हम लोगों ने पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो DRR बनेगा ये उस प्रॉफिट से बनेगा जो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जिसमें हमने नाम दिया था जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व आपका है या फंड बोल दे, एंड तीसरा सरप्लस यानी कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो ये तो चीज आप जानते हैं, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। नाउ बी लिमिट, लिमिट का मतलब होता है भैया कम से कम, लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू डीआरआर एंड डीआरआई शैल बी एज अंडर। डीआरआर हम कम से कम कितना बनाएंगे, डीआरआई हमारा कम से कम कितने का होगा, उसके ऊपर में हमें इस रूल को समझना पड़ेगा। मैंने आपकी बुक के अंदर में ना ये टेबल आपको दिया हुआ है, वो अलग अलग है, लेकिन मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया ताकि प्रॉपर तरीके से बातें दिमाग में बैठ जाए। सुनिए मेरी बात ध्यान से। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा।
अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। देयर यू विल रिसीव एवरी अपडेट रिगार्डिंग क्लास 11th एंड 12th क्लासेस प्लस फ्री PDF नोट्स एंड MTPs एंड RTPs विद द सॉल्यूशन। और वहाँ पर होंगे आपके डेली क्विजेज जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जॉइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप राइट नाउ। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय। कहते हैं कि देखो जी, डिवेंचर्स इशूड बाय AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको फुल फॉर्म नहीं पता वो आप इसको लिख लेंगे कहीं पे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग कंपनी। बच्चे वो कंपनी जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय RBI है या फिर बैंकिंग कंपनी है, इसके अंदर आपको नहीं जाना, बस आप सुनते चले। तो ऐसी कंपनी के लिए DRR बनाना कितना कंपल्शन है? नील। अभी इसको मत देखना, इसको छोड़ दो, पहले इसको देखना सिर्फ आपको। इनके लिए DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर आपने 10% कहा था, मैंने कहा था ना कुछ कंपनीज को, वो कुछ कंपनी कौन सा भी आपको बताना चाहता हूँ। आप देखो यहाँ पे सिंपली वो कहते हैं कि देखो जी, जो भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो फाइनेंस में डील करते हैं आपको, फाइनेंस में, या जो बैंकिंग कंपनी कहते हैं, उनको DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सर ऐसा कोई लॉजिक है? इनको क्यों मना किया गया? देखो लॉजिक किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ, बट मैं आपको समझा सकता हूँ रीजन क्या है। कहते हैं कि भैया आपका तो काम ही बैंकिंग में डील करना है, आपके पास तो बैंक पैसे ही पैसे हैं, तो फिर पैसे को अलग करना और उसको इन्वेस्ट करना क्या फालतू में, आपके लिए क्या टेंशन है, आप ना करो तो भी काम चल जाएगा। मतलब ये मैं अपने मन से बता रहा हूँ, ऐसे कहीं लॉ में नहीं लिखा हुआ है, बट आपके दिमाग में मेमोराइज कराने के लिए मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ। तो फिर बच्चे डिवेंचर्स इशूड बाई ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस AIFI एग्जाम में शॉर्ट में दिया रहेगा, एंड दूसरा कौन सा बैंक, जितने भी बैंक हमारे देश में जितने भी बैंक हैं उनको DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई DRR नहीं बना, प्रॉफिट से कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करना, क्लियर ना? यही नहीं, फिर कहते हैं कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल मतलब कि इनके सिवाय और भी कोई ऐसे लोग जो फाइनेंस में डील करते हैं तो उनके लिए क्या होगा, पता है क्या बोला गया लॉ में, एज एप्लीकेबल टू NBFC। NBFC बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होता है, मतलब थोड़ा सा बता रहा हूँ, ज़्यादा आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं, जब बड़े होंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब होता है जो आपका फाइनेंशियल कंपनी मतलब फाइनेंस करते, वो भी लोन आपको देते हैं, वो भी लोन देते हैं, बट वो बैंक नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ टाटा कैपिटल, अब पता नहीं आपने नाम सुना होगा नहीं होगा, टाटा कैपिटल क्या करता है जी, हाउसिंग लोन को फाइनेंस करता है, तो वो हाउसिंग लोन देता है, बट वो बैंकिंग मतलब पैसा जमा करना निकालना वहाँ पे नहीं होता। तो बट एनीवे आपको उतना डिटेल में नहीं जाना, मैंने कहा कि भैया अगर कोई AIFI ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका रेगुलेटेड बाय RBI है, इनको RBI ही रेगुलेट करता है, एंड जो बैंकिंग कंपनी है तो उस केस में नो DRR इज रिक्वायर्ड। अगर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनके सिवाय कोई और है, तो कहते हैं कि भैया अगर इनके सिवाय कोई और है तो एज एप्लीकेबल टू NBFC, NBFC को जो अप्लाई होगा ना वही आपके लिए भी अप्लाई होगा। और NBFC के लिए क्या अप्लाई है तो मैं अभी आपको बता दूं, इसको बिना बताए बगैर मेरे बच्चे, NBFC के लिए फिलहाल आपके एग्जाम के लिए भी नील ही है, नील जीरो, मतलब DRR क्या होगा, जीरो होगा, सुनो मेरी बात। तो एक तरीके से आप देखो फटाफट कैसे याद होगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाए चाहे बैंकिंग कंपनी है उनके लिए नील, कोई और भी फाइनेंशियल हो जाए तो उनके लिए भी क्या फिर नील ही होगा, क्योंकि NBFC का आगे बताऊंगा कि NBFC में रेट कितना है जी, नील ही चल रहा है बच्चे, नील ही अभी के टाइम पे, तो इनके लिए भी क्या हो गया, नील ही हो जाएगा। सर नील लिख दे, नहीं मैं आपको दिखाऊँ, NBFC जो है ना वो यहाँ पे देखो दो पार्ट में डिवाइडेड है, सिर्फ जितना दिखाऊंगा वही देखना, लिस्टेड NBFC यहाँ देखो और अनलिस्टेड NBFC। लिस्टेड का मतलब होता है बच्चे जिनका शेयर्स स्टॉक मार्केट के थ्रू परचेज सेल होता है, स्टॉक मार्केट जो है ना शेयर मार्केट, उसके थ्रू आपका जो सेल परचेज होता है, जो सेबी के अंडर लिस्टेड है उसको बोलते हैं लिस्टेड, हमने इश्यू शेयर्स में आपको बताया हुआ है। और अनलिस्टेड का मतलब जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होते। तो लिस्टेड NBFC हो चाहे अनलिस्टेड NBFC है, दोनों के केस में कितना यहाँ पे है, नील। तो अगर NBFC में नील है तो यहां भी क्या होगा, नील ही होगा, आपके एग्जाम के लिए
नील ही लेके चलना है। मतलब एक तरीके से आपको मजा आ गया, पता है मजा क्या आ गया? चाहे वो AIFI हो, चाहे कोई बैंक हो, HDFC, ICICI बैंक, कोई भी बैंक हो, चाहे कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो NBFC क्यों ना, क्योंकि NBFC एक तरीके से बैंक ही मेरे बच्चे, वो सिर्फ आपसे डिपॉजिट नहीं लेती, आप FD नहीं कर सकते वहां पे, आप सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, बट वो लोन आपको देते हैं। तो मैं कहता हूं कि कौन सिरदर्दी इतना ले, जितने भी लोग फाइनेंस में डील करते हैं आज के टाइम पे, चाहे वो AIFI हो, चाहे वो बैंकिंग कंपनी में आए, चाहे वो आपका NBFC में कवर हो, कोई भी हो, DRR कितना बनेगा? नील। अभी DRI छोड़ दो, अभी DRR की बात कर रहे हैं। तो DRR क्या होगा? नील होगा। तो यहां तक तो हमारे दिमाग, ये याद रखना, एग्जाम में इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा कैसे। तो हमने कहा कि आपके लिए नील, इनके लिए नील हो गया, और जो NBFC है, लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, नील और नील। अगला है लिस्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, क्या बोला? HFC, एग्जाम में HFC दिया रहेगा, HFC का मतलब लिख लो कहीं पे आप, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, ये हाउसिंग को फाइनेंस करते हैं, बट ये भी क्या फाइनेंस करते हैं बच्चे, ये भी आपका देखो पैसे में डील करते हैं, तो ये भी जो पैसे में डील करते हैं इनको भी नील ही है। हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है रजिस्टर्ड विथ नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी बैंक के साथ ही लिंक्ड है ना, तो इनको भी नील। लिस्टेड HFC हो चाहे वो अनलिस्टेड HFC हो, नील ही रहेगा। सर सब में नील नील, आपने AIFI का भी नील कर दिया, आपने सारे बैंक का भी नील कर दिया, आपने जो NBFC है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, वो आपका लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, उसको भी नील कर दिया। जो HFC है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनका भी आपका लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, सब में नील कर दिया। हाँ बच्चे सब में नील कर दिया, सब नील है, अच्छा है ना आपको याद करने में, हाँ सब नील है। उसके बाद क्या, अब देखो बच गया अदर लिस्टेड कंपनी एंड अदर अनलिस्टेड कंपनी। अगेन लिस्टेड कंपनी का मतलब जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, जिसपे सेबी का, हमारे बच्चे सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसपे उनका कंट्रोल होता है, मतलब सेबी इन पे कंट्रोल करती है, अगेन आपके लिए नील। अभी बात हम DRR की कर रहे हैं, तो कह दो कि DRR तो सबके लिए नील हो गया, पता किसको छोड़ के? अदर अनलिस्टेड कंपनी, ये देखो आप लास्ट में है अदर अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी का मतलब क्या हुआ? जिनके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, मतलब अगर आपके शेयर्स, आपके सिक्योरिटीज, आपके डिबेंचर्स अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो आप पे सेबी, सेबी जो आप जो शेयर्स का लेन देन करते हो ना, शेयर्स का, डिबेंचर का, आप जो इशू करते हो पब्लिक, उसको कंट्रोल करता है मेरे बच्चे, वो देखता कहीं आप बदमाशी तो नहीं कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो। तो जब आपके शेयर्स स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाते हैं ना, तो आप पे सेबी का कंट्रोल हो जाता है। सेबी एक संस्था है, एक आपका इंस्टीट्यूशन है जो उसको गवर्न करता है। लेकिन जो लोग आपका अभी इन सबसे हट कर, मतलब अदर अनलिस्टेड कंपनी, अब जैसे मैं COC एजुकेशन की बात करूं, तो COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड जो मेरे बच्चे, COC एजुकेशन जो है ये आपका अनलिस्टेड कंपनी है, हमारे शेयर्स स्टॉक मार्केट के थ्रू अभी के टाइम पे लेन देन नहीं होते, तो मैं अदर अनलिस्टेड कंपनी के अंदर में आ जाऊंगा। तो मेरे केस में अगर मैं डिवेंचर्स मार्केट में इशू करता हूं और पैसा कलेक्ट करता हूं, तो मुझे DRR बनाना पड़ेगा, और कितना? 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। अब ये वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का मतलब क्या, हम आगे आपको बताएंगे, फिलहाल 10% का रेट आप याद रखना। तो आपने समझा ना, अगर मान लो कोई बोलते कि यार DRR किसके लिए बनेगा, तो AIFI नहीं बनेगा, बैंकिंग कंपनी नहीं बनेगा, NBFC लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो नहीं बनेगा, HFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो नहीं बनेगा। हमने कहा कि अगर और भी कोई कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड जैसे कि अदर में हम बात करें, रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, विप्रो है, बहुत सारी कंपनीज हैं, तो ये भी क्या करेंगे? ये भी नहीं बनाएंगे। HDFC, ICICI बैंक, यस बैंक क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि वो आपका बैंकिंग कंपनी के अंदर आ गए। तो मेरे बच्चे मेरे कहने का मतलब कि जितने लोग फाइनेंस में डील करते हैं, उनको तो हमने बोला कि अभी आप लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, कोई भी हो, आपको नहीं बनाना। हमने कहा कि कोई और भी लिस्टेड कंपनी है, अदर लिस्टेड कंपनी, उनको भी नहीं बनाना। सिर्फ किसको बनाना है? जो अदर अनलिस्टेड कंपनी है, वो भी कितना? 10%। DRR की बात कर रहा हूं, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। लेकिन सर प्रैक्टिकली समझाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा, सब बताऊंगा कसम से। ये देखो दो दो बार पकड़ता हूं, सब बताऊंगा, मेरी बात सुनते रहो, और अभी की अभी सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो जरा बताओ, रात में सोए हो गहरी नींद में,
गहरे में, पता नहीं कैसे कैसे किसके किसके और कहाँ कहाँ के सपने आप देख रहे हो। और मैं उसी टाइम पे अगर मैं आपके पास आके एक बाल्टी पानी आपको ऊपर फेंक दूं और पूछ दूं कि जरा बताओ DRR किसको बनाना होगा, तो एक लाइन में आपका आंसर क्या होगा कि सर किसी को भी नहीं बनाना होगा एक्सेप्ट अदर अनलिस्टेड कंपनी, अदर अनलिस्टेड कंपनी के सिवाय किसी को भी नहीं। आपका अगर HBFC, अगर सॉरी NBFC, HFC अनलिस्टेड, उनको भी नहीं, सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनी। तो एग्जाम में दिया रहेगा अदर अनलिस्टेड कंपनी, उन्हीं को सिर्फ आपने DRR 10% बनाना होगा ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी बताऊंगा मैं आपको, क्लियर यहां तक? ये सर, नाउ कम टू DRI। वो जो इन्वेस्टमेंट डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, आपको एक इन्वेस्टमेंट करके अलग से रखना है। क्यों इन्वेस्टमेंट करके रखना है? इसलिए इन्वेस्टमेंट करके अलग से रखना है कि भैया डिवेंचर्स को रिडीम करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो सारे पैसे कहीं आपने मान लो मशीन बिल्डिंग में लगा दिए और इनको अगर मान लो पे करना तो फिर कहां से आएगा? तो आपको इनके नाम से एक अलग से इन्वेस्टमेंट रखना है। इन्वेस्टमेंट कितना रखना है? तो एटलीस्ट 15%, 15% का 15% कौन कौन रखेगा? आओ ना, ये देखो आप कहते हैं कि जो AIFI और जो बैंकिंग कंपनी है उसके लिए नील, उनको नहीं रखना, DRI ये बचे नहीं रखना। कहते हैं कि अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एज एप्लीकेबल टू NBFC, दोनों चीज वही था। तो NBFC के लिए क्या एप्लीकेबल है, यहां देखेंगे आप मेरे साथ। यहां अगर वो लिस्टेड NBFC है, लिस्टेड NBFC, तो 15% है। अगर वो अनलिस्टेड NBFC है तो क्या बोलता है? नील। सुनते चलो, अभी अभी मैं सब समझाऊंगा। इसका मतलब मेरे बच्चे, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर वो लिस्टेड हैं, अगर वो लिस्टेड है, मैं यहां बता रहा हूं, अगर वो लिस्टेड होंगे तो कितना बनाना पड़ेगा आपको लिस्टेड के केस में? आपका 15%, 15%। और अगर आप अनलिस्टेड हो, अगर आप अनलिस्टेड हो तो कितना बनाना पड़ेगा? नील, नील। ये देखो आप अनलिस्टेड केस में कितना बताया? नील आपका। तो यहां पे हमने क्या देखा जी, इनके केस में कि आपके लिए यहां पे लिस्टेड हो चाहे वो अनलिस्टेड हो, दोनों ही केस में ये क्या था आपका? नील था, क्योंकि नीचे नील दिखाई दिया मुझे, ये नील है। लेकिन यहाँ पे अगर आप DRI बना रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो कहते भैया लिस्टेड है तो 15%, अनलिस्टेड तो फिर कितना आपका? नील। सर रेट हमें याद रखना पड़ेगा? हाँ मेरे बच्चे, इसी पे तो मार्क्स मिलने वाले हैं, इसी पे तो सारी एंट्रीज होगी, और अभी कभी याद होगा, क्यों चिंता कर रहे हो ना। मैं अभी यहां आता हूं, लिस्टेड कंपनी में क्या दिखाई दे रहा है कि लिस्टेड NBFC हो, लिस्टेड HFC हो, अदर लिस्टेड कंपनी हो, 15% तीनों में। अगर मैं ऐसा कह दूं कि चाहे वो चाहे वो NBFC हो, चाहे वो HFC हो, और चाहे वो कोई और भी लिस्टेड कंपनी क्यों ना हो, टाटा, रिलायंस, बिरला, कोई भी, इन सबको इन्वेस्टमेंट मिनिमम 15% बना के रखना पड़ेगा। इन सबको इन्वेस्टमेंट मिनिमम कितना बना के रखना होगा जी? 15%, क्योंकि लिस्टेड के केस में क्या हो गया? 15% आपका हो गया। क्लियर यहां पे? यस सर। तो मैं एक बार दोबारा आ जाऊं, बैंकिंग कंपनी है, AIFI है ना, DRR ना DRI, इनको खत्म करो, ये तो फ्री हो गए। अब हम आ जाए, इनको भी छोड़ो, यहां पे आ जाओ। लिस्टेड कंपनी में DRR कितना? नील। DRI कितना? 15%। DRR यहां पे कितना जी? नील। और DRI कितना? 15% लिस्टेड कंपनी में। नाउ अब अनलिस्टेड कंपनी में आइए, अनलिस्टेड NBFC है, नील नील। अनलिस्टेड आपका HFC है, नील नील। अगर वो अदर अनलिस्टेड में है तो अगेन 15%, अगेन 15%। सर ये तो बहुत कंफ्यूजन है ना मेरे बच्चे ना। मैं आपको अब बिल्कुल शांत दिमाग से समझाना चाहता हूं, देखो कैसे फटाफट याद हो जाएगा। आंखें बंद, आप आंखें बंद करो ना, एक बार बंद करो मेरे मेरी खातिर, आंखें बंद करो और सुनो मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अगर आपने आंखें बीच में खोल दिया तो श्राप देता हूं कि ये चीजें आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। इसलिए भूल जाओ दुनिया में कोई और है, सिर्फ मैं और आप हैं, और पूरे संसार में कोई नहीं दिख रहा मेरे बच्चे। मैं जो बोलूंगा वो डायरेक्टली आपके दिमाग के अंदर जा रहा है। आंखें बंद करो ना, बंद करो ना, झूठ नहीं, करो करो, प्लीज करो और सुनो मेरी बात। AIFI या बैंकिंग कंपनी, DRR DRI दोनों नील। अदर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बाद में देख लेंगे, नीचे आ गया लिस्टेड कंपनी।
तो लिस्टेड एनबीएफसी हो, लिस्टेड एचएफसी हो, चाहे वो आपका कोई और लिस्टेड कंपनी क्यों ना हो, डीआरआर नील, डीआरआई 15%, डीआरआर नील, डीआरआई 15%, आंख नहीं खोल रहा बदमाश, सुनते चलो मेरी बात, डीआरआर नील और डीआरआई 15%, क्लियर यहां तक? यस सर। अब हम आगे अनलिस्टेड कंपनी के अंदर में, अनलिस्टेड में हमने कहा कि अगर वो आपका अनलिस्टेड है तो अनलिस्टेड चाहे वो एनबीएफसी हो, अनलिस्टेड वो एचएफसी हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, डीआरआर नील, अदर अनलिस्टेड कंपनी में हमने कह दिया 10%। नाउ हम डीआरआई में आ गए, कहते हैं कि वो अनलिस्टेड एचएफसी हो चाहे अनलिस्टेड आपका एनबीएफसी हो, डीआरआई कितना? नील, नील मेरे बच्चे। हाँ, अदर जो आपके हो जाएंगे अनलिस्टेड कंपनी, उसमें 15%। आंखें खोल लो आप, मुझे पता बदमाश थे बीच में, आप खोल खोल के ऐसे ऐसे देख रहे थे, बट क्या करूं मैं, मुझे मेरा काम है, आप मेरी बात मानोगे तो ठीक, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, याद तो हो गया। मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे कि डीआरआर में अगर बात करूं सबके लिए नील, अदर अनलिस्टेड कंपनी को छोड़ के। अगर मैं बात करता हूं डीआरआई का, तो जितने भी लिस्टेड कंपनी है उसमें 15%, और जो लास्ट वाला था जिनको 10% था, उसका तो 15% रहेगा ही रहेगा। तो बस इतनी बात है। अगर हम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आपका आ जाए, तो जो एनबीएफसी के लिए, एनबीएफसी के लिए क्या था, लिस्टेड है तो आपका वहां पे 15%, अनलिस्टेड तो नील, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। अब आपको याद हो गया होगा, नहीं हुआ होगा मेरे बच्चे, तो एक बार आप दोबारा इस तरीके समझे, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके, मैं किनारे हो जाता हूँ, और किनारे होकर अभी आपने क्या करना है, यहां से लेकर यहां से, और आपको पॉइंट नंबर बी तक सीने लिखना है, बी तक, यानी कि आप यहां तक तो कॉपी कर लीजिए, ये 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर लिखा हुआ है ना, इसको कॉपी कर लीजिए, और फिर मैं अब आपको बताता हूँ। पहले आप यहां तक ये सी पॉइंट मत लिखना, जैसे जैसे लिखा, ये जो ब्लू में लिखा ना मैं, तो ये आपके लिए एक्चुअली, मतलब ताकि आपको फटाफट याद हो जाए कि इसमें क्या बताया गया है, तो आप जल्दी से करो ताकि मैं इसके आगे क्लास में बढ़ूँ, मुझे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करानी है, अब तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है, मैं 1 सेकेंड के लिए चुप हो जाऊंगा, वीडियो को पॉज करके लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गया, बस मुझे विश्वास है आपने पॉज करके लिख लिया होगा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं कुछ बातें आपको और बताता हूँ। ये देखिए, इसको मैं मिटा दूं, इसको भी मिटा देता हूं, ये आप समझ गए होंगे, मैं इसकी कोई रिक्वायर, मुझे एक्चुअली जगह चाहिए, तो आपने इसको नोट डाउन किया होगा, आपने अगर मोबाइल से स्क्रीनशॉट लिया होगा तो बहुत बड़ी बेवकूफी, अगर आप लिख लोगे हमेशा के लिए याद हो जाएगा, और इसको बार बार आपको देखते चले जाना है। मुझे तो याद हो गया है, डीआरआर सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनी में बनाना है, वो भी 10% ऑफ द डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। डीआरआई जितने भी लिस्टेड है, चाहे वो लिस्टेड आपका एनबीएफसी हो, लिस्टेड एचएफसी हो, चाहे अदर लिस्टेड कंपनी हो, सबके लिए 15%। अनलिस्टेड कंपनी में एनबीएफसी का, एचएफसी का नील था, और जो अदर अनलिस्टेड कंपनी थे उनका 15%, और वो ऊपर वाला जो बैंकिंग और एआईएफआई था वो तो आपका था जी नील नील दोनों का। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वही करेगा जो एनबीएफसी करेंगे। एनबीएफसी ने डीआरआई के बारे में क्या क्या था, लिस्टेड है तो 15%, अनलिस्टेड है तो नील, नील किया था आपका, याद हो गया मुझे। अब आपको क्यों नहीं याद होगा यार, जब आपका मेरा खून एक ही जैसा है, मेरी भी दो आंखें, आपकी भी, मेरी तो आंख चार चार है, ये भी मेरे पास दो आंखें और है, इसके बिना कुछ दिखता नहीं है। आप बिलीव करो, अगर मैं इसको ना लगाऊं ना और इस कैमरे में देखूं, तो मुझे आपका चेहरा जो नहीं होता, वो खूंखार जो, मतलब गंदे गंदे जो जानवर होते हैं, उसका जैसा चेहरा मुझे आपका लग रहा है देखने में, झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए मैं इसको लगाता हूं ताकि आपका चेहरा मुझे ठीक से दिखे, और कुछ नहीं, ठीक है ना? तो ये हो गया ना। अब सी पॉइंट क्या है, मैं पहले पढ़ दूं फिर आपको मीनिंग समझाता हूँ, इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आना पड़ेगा। सी में लिखा हुआ है, ये सारी बातें कहाँ लिखी है, रूल 18(7)(b) ऑफ कंपनीज शेयर एंड डिवेंचर अमेंडमेंट रूल 2019। इसके पहले 2014 रूल था, उसमें कुछ अलग बातें थी, 25% रेट हुआ करता था, बहुत सारी बातें, छोड़ो उसको, हम 2019 रूल की बात कर रहे हैं। सी, एवरी स्पेसिफाइड कंपनी शैल इन्वेस्ट एन अमाउंट एटलीस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। यहां पे 15% किसका है जी, ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर दैट शैल बी रिडीम्ड बाय द कंपनी बाय 31 मार्च, बाय 31
मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर एंड अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ करंट ईयर। आप चाहे कितने भी हाथ पैर मार लो, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक मैं इसको प्रैक्टिकली आपको नहीं समझाऊंगा। तो आपने पहले इसको नोट डाउन करना तो कर लो, आप वीडियो पॉज करके सुन लो एक बार मैंने क्या लिखा हुआ है। एवरी स्पेसिफाइड कंपनी, स्पेसिफाइड कंपनी का मतलब जिसको 15% बोला गया था, आपको बोला गया था और आपको बोला गया था, आप तो चार क्या हो गए, स्पेसिफाइड, और इसमें भी कौन जे लिस्टेड आपका वाला, तो ये सब स्पेसिफाइड कंपनी। कहता है कि शैल इन्वेस्ट एन अमाउंट एटलीस्ट, मैंने कहा था हमेशा रेट जो है ये एटलीस्ट वाले हैं, 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स, फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स को आप अंडरलाइन कर लेंगे, दैट शैल बी रिडीम्ड बाय द कंपनी बाय 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, बाय 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड अमाउंट शुड बी इन्वेस्टेड ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द करंट ईयर। इसका मतलब क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए अब मेरे साथ सुनेंगे। अपना मैं किनारे हो जाता हूँ ये मानते हुए कि अब आपने इसको भी नोट डाउन कर लिया होगा या फिर आपने जगह छोड़ दिया होगा, मतलब नोट डाउन कर लिया होगा तभी आगे समझ में आएगा। अब मैं शुरू करता हूँ मेरे बच्चे। अब मैं ये मानते हुए कि आपने इसको पॉज करके लिख लिया होगा, अब मैं ये जो पॉइंट नंबर सी के जो पॉइंट से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सिंपल है, डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। मतलब यहाँ पे लिखिए, हेडिंग डालेंगे आप, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ डेट ऑफ DRI, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट जो आपने करना है उससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है, मैं उसका डिस्कशन कर रहा हूं। आप एक काम करो, यहां पे एक एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल नंबर वन कहता है कि आपका ए लिमिटेड, लिखेंगे ए लिमिटेड ब्रैकेट में अदर अनलिस्टेड कंपनी, मतलब मैं इस कैटेगरी में लेकर चल रहा हूँ, एग्जाम में बताएगा, आपको चिंता नहीं करना कौन सा नाम है। अदर अनलिस्टेड कंपनी लिखिए, साथ साथ कर रहे हैं आप, आगे पीछे नहीं। कहता है कि हेड टू रिडीम इट्स 12% डिवेंचर्स ऑन 30th सितंबर 2022, मतलब ये दिस इज डेट ऑफ रिडम्पशन आपका। बोलता है यहां पे फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू 10 लैक्स, है ना। अभी समझा रहा हूं तो आपको मेरे साथ लिखना है, जैसे बताऊंगा वो। बोलता है कि यहां पे कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लास्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी मेड। ये आपको क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है ना, कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना होगा और लास्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। तो मेरे बच्चे सॉल्यूशन के अंदर में आप आ जाइए, सॉल्यूशन के अंदर में। अभी हम लोग एंट्री की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख रहे हैं। एक तो पहले हमें डायग्राम पे इस बात को समझना होगा कि डेट ऑफ रिडम्पशन क्या है। दिस इज 30th सितंबर 2022, जो डेट ऑफ रिडम्पशन होगा पहले आप उसको दिमाग में ले लेना, मतलब डायग्राम पे ले लेना। इसके बाद चेक करो कि इस डेट के पहले 30th अप्रैल कब आ रहा है। एक बार दोबारा पढ़ दूं मैं क्या, एवरी स्पेसिफाइड कंपनी शैल इन्वेस्ट एन अमाउंट एटलीस्ट 15% of the face value of debentures that shall be redeemed by the company by 31st March of next year and amount should be invested on or before 30th April of current year. ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया, इसका सिंपल मीनिंग बताता हूँ मेरे बच्चे। जो भी आपका डेट ऑफ रिडम्पशन है पहले उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, दिस इज योर डेट ऑफ रिडम्पशन। बस उस डेट के पहले आप चेक करो कि 30th अप्रैल कब आता है।
तो इसके पहले 30th अप्रैल आपका आएगा, 30th अप्रैल कौन सा, 2022 ही ना, 2022। तो मेरे बच्चे ये जो आपका डेट होगा ना, इट विल बी लास्ट डेट ऑफ DRI टू बी मेड। मतलब हमारा लॉ कहता है कि भैया अगर DRI बनाने का मैं डेट आपको ना बताऊं तो फिर आपने क्या करना है, ये वो लास्ट डेट होगा जब तक आपको बना लेना है। मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये या इसके पहले कभी भी बना सकती है, याद है ना, DRR का कोई डेट ही नहीं है। वो तो कहते हैं रिडम्पशन के पहले आपको क्रिएट कर लेना है, और DRI कहते हैं कि जिस साल में आपका रिडम्पशन होगा उसके पहले जो 30th अप्रैल पड़ेगा उस समय तक आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना है। तो मेरे बच्चे ये वो डेट होगा जब DRI करना होगा। और हाँ, अगर आप मुझे मुझसे पूछो कि जरा बताओ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, अगर पूछो कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना होगा, तो इट विल बी एटलीस्ट 15%। 15% ऑफ कितना, जो डिवेंचर्स रिडीम होना उसका फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू मेरे बच्चे ध्यान रखना, तो 10 लाख का ये, यानी कि 1,50,000, 1,50,000 का इस दिन तक इन्वेस्टमेंट कर लेना है। एंट्री क्या होगा वो भी आगे हम सीखेंगे, पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट समझिए क्या बोलना चाहता है, फिर सबको मैं इकट्ठा करूंगा, कोई डाउट इसमें नहीं सर। एग्जाम्पल टू लिखे आप, एग्जाम्पल टू कहता है कि एज्यूम इन प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब अभी जो हमने किया उसी क्वेश्चन में, एज्यूम इन प्रीवियस क्वेश्चन कहता है कि डेट ऑफ रिडम्पशन कहता है 16th अप्रैल मान लो 2022 कहता है कि अगर ये रिडम्पशन का डेट आपका 30th सितंबर के जगह पे 16th अप्रैल 2022 हो जाएगा तो फिर क्या आंसर होगा। तो मेरे बच्चे सॉल्यूशन के अंदर में फिर से आप दिमाग शांत कीजिए, और आपका पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है डेट ऑफ रिडम्पशन। बताओ रिडम्पशन कब हो रहा है, 16th अप्रैल को 2022 में, 2022। तो 16th अप्रैल 2022, दिस इज योर डेट ऑफ रिडम्पशन। इसके पहले का जरा बताओ 30th अप्रैल कब पड़ेगा। अगर इसके पहले मैं आऊं तो 30th अप्रैल मेरे बच्चे, यानी कि 30th अप्रैल कौन सा, 2022 या 21, ऑब्वियस बात है 2021, क्योंकि 30th अप्रैल इसके पहले तो 2021 का पड़ा होगा, है ना। तो ये आपका होगा लास्ट डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ऑफ DRI, दो जो डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो इस दिन तक कर लेना है, और अमाउंट कितना होगा, नो डाउट कि 1,50,000। इट्स वेरी सिंपल, मतलब आपको ज़्यादा जोर नहीं देना। वो कहता है कि भैया जो भी डिवेंचर्स रिडीम होंगे, जो भी रिडम्पशन का डेट होगा, उस डेट के पहले का जो 30th अप्रैल पड़ेगा उस डेट तक आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट क्रिएट कर लेना। अब मैं क्लब करूंगा कॉन्सेप्ट को, पहले आप यहां तक समझ जाइए, कोई डाउट इसके अंदर में नहीं सर। तो ये दो एग्जांपल मैंने इसके अंदर बताया, अब मैं इसको मिटाऊंगा, अब मैं आपको अच्छे क्वेश्चन में लेकर आऊंगा सारे कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करते हुए। ये लीजिए मैं इसको मिटाता हूं, मैं तो आपको इतना स्ट्रोंग कर दूंगा कि अगर पत्थर भी आपके ऊपर में टकरा जाए तो पत्थर चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। आपको वो शक्ति मैं देने वाला हूँ, सच बोलता हूँ। ये चैप्टर से बच्चे भागते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया ये इतना टफ माना जाता है कि आप CS के फाउंडेशन में नहीं, इंटर में पढ़ाया जाता है, वो भी ग्रुप टू के अंदर में, कि यार ये तो बच्चे जो बड़े बच्चे होंगे वही समझेंगे, क्या है इसके अंदर में, यही होता थोड़ा सा बड़ा करके। और खैर हम तो यही समझ जाएंगे। लिखो ना मेरे साथ यहाँ पे आप लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 3। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, कहता है कि आपका यहाँ पे बी लिमिटेड ब्रैकेट में अदर लिस्टेड कंपनी, अभी लिखिए आप, अभी सोचना नहीं, जब बोलूंगा तब सोचना आपने। कहता है कि इश्यूड 12% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज, कितना ले लूँ मैं, 10 लैक्स, कहता है कि 10 लैक्स रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ
20% redeemable at premium 20% on 17th April 2023. ये आपका इशू जो है ना, डेट लिख देता हूँ, मैंने लिखना भूल गए, ये मान लो 1st April 2021 की एंट्री है. 1st April 2021 को इन्होंने इशू किया है बच्चे, और रिडेम्पशन 2023 में 17th अप्रैल को होना है ना, 20% प्रीमियम पे. कहता है यहाँ पे मेक एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन After complying all legal requirements. अब देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, यही क्वेश्चन आ गया मान लो, तो आपको अब क्या क्या ध्यान देना है क्वेश्चन के अंदर में. बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो, सारे केसेज कराऊंगा, कुछ चिंता नहीं करना है आपको, बस मेरे साथ सुनते चले जाना है. इस क्वेश्चन में ध्यान दो कि क्या क्वेश्चन ने कहीं पे मेंशन किया है क्या कि रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल है. चेक करो, नहीं मेंशन किया, कहीं भी रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल की बात नहीं कर रहा. तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल में जो पड़ा था वो खत्म हो गया. अब मुझे बताओ कि क्या यहां पे कहीं पे रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कहीं कुछ बोला है आपको? नहीं बोला है. अगर रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहता मेरे बच्चे, तो फिर 100% का हम DRR बनाते, ये हम जानते हैं. ये भी नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोल रहा है कि कैसे रिडम्पशन किया जाएगा. इसका मतलब कि जो आपको एडिक्वेसी ऑफ DRR एंड DRI है उसको फुलफिल करना पड़ेगा. मतलब लॉ ने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला है उसको कंसिडर करते हुए आपको एंट्री पास करना पड़ेगा. अभी दिखाऊंगा, मेरे बुक में भी आपके ऐसे क्वेश्चन हैं, बट अभी हम बुक की बात नहीं कर रहे, मतलब पूरे कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं. तो यहाँ मेरे बच्चे, क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं पर भी आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं बोल रहा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने लीगल कंप्लायंस की बात करेंगे. लीगल कंप्लायंस हमेशा मिनिमम अमाउंट के साथ होता है. अब उसके लिए हमें जानना होगा ये कौन सी कंपनी, दिस इज अदर लिस्टेड कंपनी, इट्स नॉट अनलिस्टेड कंपनी, अदर लिस्टेड कंपनी. एंड अदर लिस्टेड कंपनी आपको यहां दिख रहा होगा, लिस्टेड कंपनी के अंदर में. अदर लिस्टेड कंपनी में क्या बोला जी, DRR की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर हम नहीं बनाएंगे DRR की कोई रिक्वायरमेंट हम नहीं बनाएंगे. लेकिन हाँ, DRI हमें मेरे बच्चे 15% से बनाना पड़ेगा. तो आओ ना हम उस कंप्लायंस को पूरा करते हैं. क्या दिक्कत है, मैं पूरी एंट्री करूंगा आपको 1st April 2000. डायग्राम से दिखा दूं क्या, पहले डायग्राम बनाइए क्योंकि डेट का चक्कर हो जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा. पहले आप लिखो 1st April 2021, ये आपका इशू डेट है, इशू डेट आपका. रिडम्पशन कहता है कि दिस इज योर रिडम्पशन डेट, और रिडम्पशन डेट आपको क्या बता रहा है जी, इट्स ऑन 17th April 2023. जल्दी से आप अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में, अपने खून में, जहां भी चाहो पहले फिक्स करो, क्योंकि हमें DRI बनाना है तो वो लास्ट डेट हमारा क्या होगा. लास्ट डेट मेरे बच्चे इसके पहले का 30th अप्रैल और वो क्या 2022 होगा, क्योंकि 23 का तो 17 के बाद 23 वाला 30 अप्रैल इसके बाद पड़ेगा, तो 30th अप्रैल 2022. अब मेरी बात सुनना, मैं एंट्री करना शुरू कर रहा हूँ. पहले 1st अप्रैल 2021 की आप एंट्री कीजिए मेरे साथ, हमने इशू की एंट्री करना है. तो इशू में पहला एंट्री क्या हो गया, हमने डिवेंचर्स इशू किया है जी, बैंक अकाउंट डेबिटेड. एंड टू आपने बोला यहां कितना, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट है ना बच्चों. क्योंकि आपने यहां पे जो डिवेंचर्स इशू किया है वो 10 लाख रुपीज का है एंड 20% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम की बात अभी हटा, वो तो रिडम्पशन पे प्रीमियम होना है. यहाँ पे पैसा कितना आया, पूरे 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख रुपीज का आपका एंट्री यहाँ पे आ गया. इसके बाद आपको अगली एंट्री में क्या करना है, ये डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट साथ साथ लिखेंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अकाउंट डेबिटेड थोड़ा जगह छोड़ के टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट.
टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट, है ना। तो आप देखो ना, एक तो यहाँ पे 10 लाख रुपीज जो आया था कैपिटल के आगे में, यानी कि डिवेंचर के आगे भी ऑलवेज दैट फेस वैल्यू, क्योंकि रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ना अकाउंट, 10% प्रीमियम है ना, 20%, तो 2 लाख रुपीज, और बिना किसी डाउट के ये आपका लॉस हो गया है, तो लॉस ऑन इश्यू अकाउंट। इस लॉस ऑन इश्यू को राइट ऑफ करने की हम लोग एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, वो एंट्री करना होगा तो क्वेश्चन हमेशा बताएगा, क्योंकि इसको मैंने बताया है कई तरीके के ऑप्शंस होते हैं, तो आपको वहाँ बॉदर नहीं करना। आपने इश्यू की दो एंट्री में आपने पास कर दी। अब हम आ जाएंगे आपका डीआरआर डीआरआई को लेकर। पहले डीआरआर तो यहाँ बनना ही नहीं है, अदर लिस्टेड कंपनी के अंदर में नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड, तो उसकी तो एंट्री छोड़ दो। अब हमें डीआरआई करना पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बट सवाल उठता है कि इन्वेस्टमेंट किस डेट को करूं, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेरे बच्चे उसने इन्वेस्टमेंट का डेट आपको नहीं बताया कि किस दिन पे करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन के अंदर में अगर डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बता दे, क्वेश्चंस आएंगे जहां पे बताएगा तो हम उसी डेट पे कर देंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ना बताए, तो इसके पहले आप किसी भी डेट को कर सकते हो, किसी भी डेट को, फर्क नहीं पड़ता। मैं जनरली क्या करता हूं, मैं कि जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट यानी कि 30 अप्रैल 2022, उसी दिन इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करता हूं। ऐसे आप अगर जैसे कई सारे बुक है जो कि 1 अप्रैल को करते हैं, वो भी ठीक है, कोई कुछ लोग 15 अप्रैल को, वो भी ठीक है, बट क्यों फालतू में, हम कॉमर्स वाले बच्चे क्या होते हैं, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जब एग्जाम पास आता ना बिल्कुल लास्ट में, तब आप जगते हो, है ना, जब परेशानी सर पे आ जाती तब जगते हो। तो वही मानते हुए, आपका नेचर समझते हुए, 30 अप्रैल की एंट्री करता हूँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करना है। तो याद कीजिए, हमने इन्वेस्टमेंट का एंट्री क्या बताया था, डिवेंचर रिडम्पशन, डिवेंचर रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, यही तो होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, बैंक से पैसा चला, कितना जी, तो इट्स 15%, कुछ ना बताया कितना इन्वेस्टमेंट, तो मिनिमम किया जाएगा 10 लाख का 15% कितना, हमेशा फेस वैल्यू पे, याद है ना आपको, फेस वैल्यू पे। तो आपका यहाँ पे 10 लाख रुपीज डिवेंचर जो रिडीम हो रहे हैं उनकी फेस वैल्यू है, एंड 15% आपका, तो कितना हो गया, 1,50,000 का, ये 150 का हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर में, नहीं सर। अब इसके बाद समय चला और चलते 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 आपका अब ये दिन आ गया 17th अप्रैल, 17th अप्रैल 2023। आज हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, हमें डिवेंचर्स रिडीम करना है, तो रिडीम करो ना, क्या क्या पे करना है, ये दोनों आपने 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट करना है, आपने डेबिट करना है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये तो आप रट गए होगे, इतना कई सारे क्वेश्चन कर लिया हमने, एंड टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट है ना। तो आपका डिवेंचर कितने का है, 10 लाख रुपीज, आपका प्रीमियम कितना है, 2 लाख रुपीज, तो कितना हो गया, 12 लाख रुपीज है ना। और हमें आज क्या करना होगा जी, इसका पेमेंट करना होगा, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट है ना, ये हमने 12 लाख रुपीज इनको पे कर दिया, इनको पे कर दिया। और हाँ, ध्यान रखना, जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया था ना बच्चे यहाँ पे, अब उस इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, क्योंकि आज डिबेंचर रिडीम करना है, तो कायदे से इसको बेचने की एंट्री इस एंट्री के पहले होना चाहिए, बट क्योंकि सारी एंट्री हम एक ही दिन को कर रहे हैं और डेट क्वेश्चन अगर ना बताए, तो 17th अप्रैल 2013 को ही जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था, पिछली क्लास में बताया था ना, इन्वेस्टमेंट सेल करने वाला, हम उसको बेचेंगे, जब इन्वेस्टमेंट बिकेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एंड टू डीआरआई अकाउंट, यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पिछली क्लास में हमने डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट कहा था, फंड वर्ड हटा देना, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं, जितना आपके लिए रिलेवेंट वही किया जा रहा है, जब बड़े होंगे तो सीखेंगे उसके बारे में। तो आपने क्या करना है, 150 150, 1.5 लाख रुपए से हमने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, यानी कि आज क्या हुआ जी, इन्वेस्टमेंट बिक गया और डिवेंचर रिडीम हो गए, क्योंकि हमने डीआरआर कुछ बनाया नहीं था, तो डीआरआर को जनरल लेजर में ट्रांसफर करने की बात हमें करनी नहीं है, अगर होता तो फिर उसको मैं करता। आप प्लीज कॉपी कर ले, आप कॉपी कर लीजिए,
सर नरेशन लिख लेना, नरेशन एग्जाम में आप खुद लिखेंगे, आपको तो सब पता है, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड, ये कौन सी बड़ी बात है। तो ये काम पूरा आपका हो गया, ठीक है ना। मैं और क्वेश्चन को कराऊंगा, पहले आप यहाँ तो कॉपी कर लीजिए। सर हो गया, ठीक है। तो ये लो, मैंने यहाँ पे इसको मिटाता हूँ और अगले क्वेश्चन को कराता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे जी, आपके बुक में आपका प्रोसीड कर जाएंगे एंड जो बुक्स है उनसे क्वेश्चन करेंगे, बट आज तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। ये लो, ये मैंने मिटा दिया। एक क्वेश्चन और लिखिए, जबरदस्त क्वेश्चन आपको दे रहा हूं मैं। एग्जाम्पल नंबर में भूल गया, आई थिंक फोर्थ होगा या थर्ड होगा, जो भी होगा आप लिख लो। अब मैं इस पे लेकर चलता हूं, अदर अनलिस्टेड कंपनी। कहता है कि सीओसी एजुकेशन लिमिटेड ब्रैकेट में अदर अनलिस्टेड कंपनी, आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, क्वेश्चन हमेशा बताएगा वो किस कैटेगरी में है। तो अदर अनलिस्टेड कंपनी मान लो यहाँ पे बोल रहा आपका। अब ये नहीं कि जब सीओसी एजुकेशन दिखे तो समझ लेना कि इसी में सिर्फ होगा, अरे किसी में भी एग्जाम्पल आप आ सकता है। तो सीओसी एजुकेशन लिमिटेड अदर अनलिस्टेड कंपनी कहता है इशूड इशूड 12,000 15% डिवेंचर्स ऑफ रुपीज 50 each एट प्रीमियम ऑफ कहता है आपका 10% 10% रिडीमेबल कहता है कि ऑन 17th अक्टूबर अक्टूबर 2025 इस डेट पे रिडीम होना है एट पार पार पे आपका रिडम्पशन होने वाला है। मैंने इशू का डेट नहीं दिया ना, मैं दे दूं क्या? चलो इशू का डेट, अब इशू की एंट्री कराऊं या कर लोगे? सर इसमें करा दो, ठीक है फिर। तो आप बोलते हो इसलिए मेरे बच्चे 1 जनवरी 2021 ले लो आप, इस डेट पे कुछ भी डेट हो सकता है, ये इशू हुआ रिडम्पशन होना उस डेट पे, ठीक है ना। कहता है कि आपका यहाँ पे मेक मेक जर्नल एंट्रीज, मतलब सारी एंट्रीज करना आपने, इशू रिडम्पशन सबको लेकर आपका, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया। अब देखो दोबारा बताओ, क्या इस क्वेश्चन में रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। क्या रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। तुम क्या चाहेंगे? मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा, यानी कि जो हमारी एडिक्वेसी है मेरे बच्चे। तो आपको यहाँ पे अदर अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि आप यहाँ चले गए, 10% आपको क्या करना होगा जी, बनाना होगा DRR और 15% आपको बनाना होगा DRI। तो डेट क्या होगा, उन सब बातों को समझने के लिए सॉल्यूशन में पहले एक काम करो, ये डायग्राम मेरे साथ बनाओ, है ना। और ये आपका 1 जनवरी 2021 ये आपका इशू का डेट है, यहाँ पे इशू हुआ है, और ये आपका डेट हुआ जी 17th अक्टूबर 2025, दिस इज रिडम्पशन का डेट। मुझे पहले वो लास्ट डेट, क्योंकि हमें DRI बनाना है बच्चे, DRR पे तो कोई डेट फिक्स ही नहीं, कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन DRI जो बनेगा वो इसके पहले का जो 30th अप्रैल होगा वो लास्ट डेट मुझे जानना जरूरी है। तो 30th अप्रैल 2025 है ना, इसके पहले यही तो आएगा, ये लास्ट डेट आपका DRI का हो गया। अब हम एंट्री कर सकते हैं। देखो इंस्टीट्यूट ने, मतलब आपके स्कूल वालों ने कितना आपको फ्री छोड़ा है, वो कहते हैं कि अगर आप चाहो तो संतोष सर के साथ आप 1 जनवरी की एंट्री कर लो, इशू का एंट्री। तो इशू का एंट्री क्या होगा बताइए, आप कर लोगे ना इशू वाली एंट्री? मैं नहीं करता। इशू की एंट्री नंबर ए कर लेना, नंबर बी कर लेना, फिर करा, चलो बदमाश कर लो। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, आपने क्या बोला यहाँ पे जी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री पता नहीं आप क्यों मुझसे बार बार करा रहे हो, ये तो आप जानते हो। तो 12,000 डिवेंचर्स इशू किए गए हैं, 50 each, तो 12,000 × 50 ये आपका 6 लैक्स हो गया, सॉरी 50 each था, 12,000 × 50 6 लैक्स हो गया, 12,000 × 50 6 लैक्स हो गया, और 10% आपका प्रीमियम पे, तो 660 का अमाउंट आया होगा, है ना, इशू के टाइम पे आपका आया है, तो
तो 6,60,000। अगली एंट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आपका डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू, आपने क्या बोलना है जी, कितना परसेंट है, 15% डिवेंचर अकाउंट, 15% डिवेंचर अकाउंट। और ये आपका, ये तो अमाउंट 660 का है, इसमें से यहाँ पे अमाउंट चला गया 6,00,000 रुपीज, और एक्स्ट्रा जो अमाउंट आपने लिया है दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, कितना अमाउंट हो गया यहाँ पे 60,000। कोई डाउट? नहीं सर। तो दो एंट्री हमने इश्यू के टाइम पे पास की। नाउ अब देखो पॉइंट क्या है, हमें यहाँ पे DRR भी बनाना है, और DRR मेरे बच्चे हम लोग बनाते हैं इस डेट के पहले कभी भी बना सकते हैं एज पर द लॉ, कभी भी। तो मैं DRR कब बनाऊं, क्योंकि मेरे पास कई सारे साल दिख रहे हैं। अगर आप कहते हो कि सर हम साल के एंड में बनाएंगे, ऐसे मैंने कहा है कि DRR किसी भी डेट को बना सकते हो। अगर कहते हैं कि साल के एंड में, तो देखो साल के एंड कहाँ कहाँ आ रहा है, एक आ रहा है 31 मार्च 2021, एक आ रहा है आपका 31 मार्च 2022, एक आ रहा है 31 मार्च 2023, एक आ रहा है 31 मार्च 2024, एक आ रहा है 31 मार्च 2025, और फिर आपका ये आगे चला गया। तो 1, 2, 3, 4, 5 पांच साल हमारे पास हैं, हम DRR कब बनाएं, कब और कितना। तो मेरे बच्चे ऐसे तो लॉ मतलब कहा जाए तो जितना हमें DRR बनाना है हम उसको पांच पार्ट में भी बना सकते हैं, इंस्टॉलमेंट वाइज। आपका हम चाहे तो उस DRR को यहां भी बना सकते हैं, यहां भी हमें कभी भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी बना सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन एग्जाम में अगर डेट आपको ना बताए तो आंख बंद करके जिस डेट को मन करे ना आप उसको कर लेना। मैंने कहा ना, ब्रह्मा भी अगर जमीन पे आ जाएंगे कि भैया इसके मार्क्स काटो, तो उस टीचर की हिम्मत नहीं होगी मार्क्स काटने का, क्योंकि हम कभी भी बना सकते हैं, लॉ ने हमें छूट दिया है। और क्वेश्चन में या तो डेट बताओ जी, ना बताओ तो हम तो अपनी मर्जी से करेंगे, तो आप किसी भी डेट पे बना सकते हो। इस पे आप उसे डाउट सेशन में ये नहीं बोलना कि सर इसमें क्या होगा, उसमें कभी भी बना सकते हो। मैं क्या प्रेफर करता हूँ वो आपको बताता हूँ, आपके नेचर को देखते हुए अगर क्वेश्चन हमें आपको नहीं बताता तो जो बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि आपका नेचर है ना लास्ट में उठना, लास्ट में आपका जगना, लास्ट में प्रिपरेशन करना, तो मैं लास्ट में यानी कि 31 मार्च 2025 को बनाता हूँ। और DRR बनाने की एंट्री बताइए क्या होगा जी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिटेड टू DRR अकाउंट, बोलो ना, यही होगा ना। ये सर DRR कितना बनेगा, तो कहते हैं कि 10% ऑफ वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स आउटस्टैंडिंग। डिवेंचर आउटस्टैंडिंग का मतलब कि जो डिवेंचर्स आपको रिडीम करने हैं उनका जो फेस वैल्यू है, अगेन फेस वैल्यू, यहाँ पे पूरा कंप्लायंस फेस वैल्यू के ऊपर है। तो जो डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं मेरे बच्चे, उसका फेस वैल्यू कितना है, 6,00,000 रुपीज। आपको क्या करना है कि 6,00,000 रुपीज का 10% यानी कि 60,000 आपको ये मिनिमम DRR बनाना पड़ेगा। सर अगर हम 100% बना ले तो बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाएगा लॉ भी सब कुछ जी। लेकिन अगर आप चाहो भी ना कि ना हम कुछ ना बनाए, तो आपको तो इतना बनाना ही पड़ेगा, दिस इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट, आपको बनाना पड़ेगा एज पर द लॉ। और फिर अब DRR बन गया, अब मैं क्या करूंगा जी, DRI बनाऊंगा। DRI कब बनाऊंगा, तो लास्ट डेट मुझे ये दिख रहा है, मैं यही बना लूंगा। आप चाहो तो 31 मार्च 2025 को ही बना लो, चाहो तो आप 1 अप्रैल को बना दो, आपकी मर्जी, बट आपके नेचर को देखते हुए मैं 30 अप्रैल 2025 को बनाऊंगा। जरा बताओ DRI यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का एंट्री क्या होगा। सर इन्वेस्टमेंट होगा डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा और बैंक से पैसे कम हो जाएंगे टू बैंक अकाउंट। जरा बताओ इन्वेस्टमेंट कितने का, तो मेरे बच्चे 15%, ये देखो आपका इन्वेस्टमेंट का रेट कितना, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स जो हमारे पास है उनका फेस वैल्यू कितना है, 6,00,000 रुपीज, और 6,00,000 रुपीज का आपका 15% बताइए कितना हो गया, 90,000 का। तो 90,000 का आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करना है, ये लीगल कंप्लायंस है, लीगल रिक्वायरमेंट है। DRR आपने 60 का, DRI आपका 90 का। आपके दिमाग में सवाल उठ सकता है कि सर DRR में तो सिर्फ 60,000 का अमाउंट है, तो इन्वेस्टमेंट 90 का कैसे होगा, क्यों नहीं हो सकता है? अरे इन्वेस्टमेंट आप पैसे का कर रहे हो,
बैंक में खूब सारे पैसे हैं, तो जितने पैसे बैंक में है उसमें से 90,000 आपको उनके लिए छोड़ना पड़ेगा कि कल कोई इन्वेस्टमेंट भेज के उनको पेमेंट करना पड़ सकता है, कहीं पैसे कमी पड़ेंगे तो इससे कोई टेंशन नहीं है। वो तो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको बताया था DRR से DRI को लिंक करना, बट यहाँ पे DRR करना एक अलग लीगल कॉम्प्लायंस है और इन्वेस्टमेंट करना एक अलग कॉम्प्लायंस आपका है। DRR बनाने से प्रॉफिट से DRR में ट्रांसफर होगा, DRI करने से पैसा जाएगा और इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा। क्लियर यहां तक? यस सर। नाउ वी कम टू 17th अक्टूबर 2025 द डेट ऑफ रिडम्पशन। अब मैं लॉजिकल काम करता हूं, क्योंकि आज डेट ऑफ रिडम्पशन है तो इन्वेस्टमेंट को पहले बेच देता हूं। कितने में बिकेगा ना बताया तो पिछली क्लास में याद कीजिए, जितना बुक में है उतने पे ही मानेंगे। तो आज हम क्या करेंगे जी, ई नंबर में पहले इन्वेस्टमेंट जब बिकेगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड एंड टू DRI डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। 90,000 में हमने इन्वेस्ट किया था, 90 में हमने सेल कर दिया, बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बीइंग DRI सोल्ड, हमने सोल्ड कर दिया। सर कम ज्यादा हो तो आगे देखेंगे ना, अब आगे बढ़ो तो पहले। उसके बाद क्या होगा जी, अब डिवेंचर हम रिडीम करेंगे, तो डिवेंचर अकाउंट को आप यहाँ पे डेबिट कीजिए। डिवेंचर अकाउंट 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज एंड पार पे रिडीम हो रहा है टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 6 लाख का अमाउंट, ठीक है ना। और EFG अगला एंट्री में हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 6 लाख रुपीज का अमाउंट, है ना बच्चे, हमने रिडीम कर दिया। और आप जानते हैं अगली एंट्री रिडम्पशन होने के बाद, नाउ वी डू नॉट नीड दिस नेम दैट इज कॉल्ड DRR, विल ट्रांसफर दिस DRR टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो DRR अकाउंट डेबिटेड एंड टू जनरल रिजर्व, कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। कितना अमाउंट है? 60,000। तो ये 60,000 का अमाउंट हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। आप प्लीज कॉपी कर लो, आप कॉपी कर लीजिए। हमने आज आपको जितनी हमारी आज रिक्वायरमेंट थी क्लास की उतनी बातें मैंने आपको बता दी है। आज इससे ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको हौच पौच होगा, जो मैं चाहता नहीं। अगली क्लास में हम काम करेंगे। पहले मैं आपको, पहले रुक जाओ, अभी लिखो, लिखना बंद करो, पहले मेरी बात सुनो उसके बाद लिखना। मैंने आपको बताया DRR आपको याद रखना है, सिर्फ अदर अनलिस्टेड कंपनी ही DRR बनाएगी 10% ऑफ डिवेंचर आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। और DRI में हमने क्या बताया जी, DRI जो बनेगा, जो लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड NBFC, लिस्टेड HFC, उनको कितना 15%, अनलिस्टेड में सिर्फ अदर अनलिस्टेड को कितना बनाना 15%। कब बनेगा? तो जिस डेट पे, अब मैं उसका मीनिंग बता रहा हूं इस पॉइंट का, जिस डेट पे रिडम्पशन हो रहा है उसके पहले का जो 30th अप्रैल होगा, उस 30th अप्रैल तक आपको क्या करना है जी, उसको बना लेना है। जिस डेट को बोलेगा उस दिन को बनाएंगे, अगर ना तो हम लास्ट डेट को बनाने का प्रथा लेके चल रहे हैं। आप प्लीज जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, फिर मैं अब आगे प्रोसीड करता हूँ आज की क्लास में क्या बोलना चाहता हूँ। जल्दी से पहले प्रोसीड कीजिए, आप जल्दी से खत्म कीजिए इसको, लिखिए। हो गया बच्चों, अब मैं मानता हूँ कि आपने लिख लिया होगा, सारी बातें कंप्लीट कर ली होगी, और मैं क्लास को आज यहीं पर रोकूंगा। अगली क्लास में जब मिलूंगा तो अब मैं लगभग बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा, मस्त क्वेश्चन। लेकिन बिलीव कीजिए, जैसे जैसे हम बुक में आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपके लिए सिंपल दिखेंगे, क्योंकि एवरीथिंग यू हैव डन। अभी भी बुक को आपको देखना नहीं है, मेरे साथ ही देखेंगे, जब बोलूंगा तब बुक को आपको देखना है। तो आज की क्लास यहीं पे, पीछे के जितनी बातें पढ़ा उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन कीजिए और अगली क्लास में प्रोसीड कीजिए। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA CMA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों ना फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन, हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है, और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे शेयर करूँ। हेलो, माय नेम इज वंशिका एंड आई एम डूइंग सीए इंटरमीडिएट। बिहार फ्रॉम बिहार स्टूडेंट ऑफ सीए सिंस क्लास 11th एंड नाउ इन कॉन्टेक्ट। आई हैव परचेज माय सीएमए इंटरमीडिएट क्लासेस फ्रॉम सीए एजुकेशन। हाय एवरीबॉडी, दिस इज राहुल, आई एम करंटली परसुइंग सीएमए फाइनल्स। मैं यूट्यूबर दही भाई, मैं तो सर का क्लास है, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। थैंकफुल टू संतोष सर, इज रियली अ वेरी नाइस टीचर। अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूं तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। संतोष सर हैज क्लियर्ड ऑल माय डाउट्स एंड ही गिव्स अ वेरी तगड़ा आंसर टू माय कंप्लेंट्स। थैंक्स टू सीओ सी माय कांसेप्ट्स आर प्रीटी क्लियर, माय डाउट्स गेट क्लियर राइट अवे एंड आई एम इवन एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।